तो गाइस, हाँ अब बताता हूँ, देख लिया मैंने। तो ये जो किला था, राजा महाराजा राय सिंह जी का था, और उन्होंने धूपो तेज उन्होंने इस पे राज किया था 1571 से लेके 1511 तक। और कुछ गलत हो तो भाई मैंने देखा है कहीं, तो बता रहा हूँ आपको। 1571 से 1611 बोला ना मैं, नहीं क्या बोला था यार, शायद तक यही। और इसका निर्माण हुआ था, मतलब जो स्टार्ट हुआ था ना ये 1589 और 1594 में, मतलब 5 साल में ये बना था किला पूरा। तो इसको अब अंदर से चलते हैं, आपको यहाँ के दिखाते हैं आपको अच्छे अच्छे सीन। ये गार्ड साहब करें, कैसे अंकल जी, कैसे हो? हाथी ये निगरानी के लिए खड़े हैं हाथी यहाँ पे, कि कोई अंदर इनके जैसे कोई जा ना पाए इस वजह से। तो कोई यहाँ से तो बहुत ऊंचा है यार ये तो। वैसे मैं यहाँ ओके भी, मैं शायद तक यहाँ दूसरी बार आया हूँ, पहली बार आया था और उसके बाद दूसरी बार आया हूँ, यहाँ पर आया भी नहीं हूँ। यहाँ का सीन देखे आप, कताई जहर वाला है। आगे चलते पहले। तो गाइस यहाँ पे एक दो शूट फोटो क्लिक करते हैं, और फोटो देख लेते हैं इंस्टाग्राम पे है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि फॉलो कर लेना। और वैसे ये गोल्डन गेट है, सोने के गेट है शायद तक, मेरे को नहीं पता। तो एक यहाँ फोटो खिंचाते हैं, कतई मस्त आने वाली थी, एक बार देख लेना आप इंस्टाग्राम पे जाके, वो आ जाए फोटो खींच दे मेरी। अब ये इतने लोग घूमने आ रखे, इस बाहर से आए होंगे, मेरे को नहीं पता कहाँ से आए हैं। बाकी अब अंदर चलते हैं, बाहर से क्या देखना है, बाहर से देख चुके आप, अब अंदर चलते हैं। अंदर चले, अच्छा टिकट लेते हैं, अंदर चलते हैं। तो गाइस स्वागत भी करेंगे ना, चैन के मालों से स्वागत होगी अपनी यहाँ पे अच्छी खासी। और ये रिकार्ड साहब, और गाइस टिकट ले चुके हैं, जो हमारे यहाँ के टिकट है, मतलब जो यहाँ के लोकल बंदे आते हैं उनके 50 रुपये टिकट है, ठीक है ना, तीन ले चुके हैं। सब जाने नहीं दे रहे अभी, वो बोल रहे हैं 5 मिनट रुको, 5 मिनट बाद एंट्री, क्योंकि अंदर ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, हमको ही देख रहे हैं। तो अंदर चलेंगे बाद में बताते आपको कैसा है। टिकट हो गया, जल्दी चलो, नहीं 15 मिनट रुकना पड़ेगा भाई, मतलब हम नहीं जाएंगे भैया, हम चले जाते हैं। तो गाइस टिकट भी ले चुके हैं, और यहाँ के दिखाऊँ क्या आपको, या वापस आके दिखा दूँ मैं, यहाँ का वापस आके देख लेंगे। अभी चलते हैं ऊपर, और टिकट वीडियो का भी लेना पड़ा, क्योंकि फालतू काम अपन को मना करेगा अंदर, तो मेरे को पसंद नहीं है वो चीज़, इसलिए अपन टिकट ले लेते हैं। और आगे का देखिए आप, रास्ता देखिए पैसा। मैं तो पहले दूसरी बार देखूँ, मेरे को लगता है यहाँ पर टिकट लेंगे। वीडियो का टिकट दो, वीडियो बनाओगे तो ठीक, अच्छा रहा ना, ले लिया। तो गाइस फिलहाल अपनी एंट्री हो चुकी है, तो ये रहा हमारा किला, यहाँ से देखिए आप पहले। और तो उधर तो नो एंट्री है, पहले मना कर दिया जाने से यार। तो भी यहाँ का देखिए, ऊपर करंट है क्या, इसमें बंद कर रखा है कि ऊपर से भी कोई नहीं आ सकता। बाकी यहाँ का चौक, कौन सा चौक है ये, तो महाराजा गज सिंह जी के द्वारा जोधपुर से सोस्ती गेट से जोधपुर से जीती गई है। ये तो गोला है क्या अंदर, गोला नहीं है अंदर, बंद है। कृपया हाथ ना लगाए, सॉरी भाई मैंने लगा लिया। अब चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। वो से वो बता रहे होंगे, वहाँ पे गार्ड भी है जो अच्छे से बताते हैं, मगर अपन नहीं सुनेगा, अपन अपनी करेंगे। यहाँ से भी चैनों से स्वागत है अच्छा खासा। और ये दूसरा चौक, हाँ तो धूप आ रही है यार, यहाँ से देखिए यहाँ का चौक, वहां पर भी पेंटिंग बने है भाई, कत्तई वाली मस्त वाली, ये देखिए। मेरे साथ आयो, गार्ड के साथ आयो, उसके पीछे पीछे जा रहे हो। करण महल 231 अंदर, पता नहीं क्या चीज है। ओ तेरे, नहीं पढ़ना। चेन
राजा करण सिंह जी की है। तो अपन ने देख ली ये सीट, बाकी अब अंदर चलते हैं। आगे फिर एक और चौक बड़ा सा। छोड़ दो मेरे को, जाने दो। ठीक है, जान दे दिया। यार ये जगह अच्छी है, देखिए बढ़िया से कला करते। आप आओ तो यहाँ पे, जैसे अपने लिए तो 50 रुपये टिकट है, ठीक है ना, और जैसे बाहर से विदेशी आते हैं ना लोग, उनके 300-300 रुपये टिकट है। क्या बात है। और वीडियो बनाने तो उसका 150 रुपये चार्ज तो देना ही पड़ेगा, क्यों मोटू। और ये गाइस ये देखिए स्पेशल जेल है, ये पता नहीं किसके लिए है। अंदर चांदी का गेट है, चांदी का गेट है सच्ची, ये तो पक्का ही लग रहा है। ये गेट 65 किलो का गेट है, जो गार्ड साहब इंग्लिश में उनको समझा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ 65 किलो का गेट है ये। पैसा हाथी का, हाथी की सूंड की तरह वो लगा रखा है इसमें गेट। बाकी बढ़िया है, आगे अंदर चलते हैं। वैसे अभी यहाँ पे सब भीड़ है, इनको आगे जाएंगे ना, फिर अपन आगे चलेंगे। यहाँ पे आए ना तो पूरा टूर देंगे, ऐसे नहीं कुछ छोड़ेंगे। वीडियो पे पैसे लगाए तो पूरा ऐसे कैप्चर करेंगे, अच्छे से पूरा कुछ देखेंगे यहाँ से। अब वो मेरे से पूछेगा, गार्ड बोला रहा है कि वीडियो का टिकट लिया क्या आपने, तो मैं अब वही बताऊंगा। यस टिकट दिखा, वीडियो वाला वीडियो का टिकट देखेंगे तो दिखा देंगे, अपने कोई इशू नहीं है। ओए मेरे को क्या है, वीडियो का टिकट इसके पीछे चिपका दे, कोई बिना पूछे अपन ये कर देंगे। हाँ, वो सही है ना। अंकल जी हंस रहे, ये सही है, अब देखते हैं। आना सच्ची बता रहा, टिकट ले लिया नहीं तो ये रोज हर गार्ड मेरे को परेशान करता, टिकट दिखा टिकट दिखा टिकट दिखा। तो नहीं बढ़िया, इनका काम है करेंगे ही। अपन चलते हैं बंदर फूल महल देखते हैं, जो गेट ही बंद है फूल महल का। आगे है चंदर महल, जो गेट बंद है, अंदर नहीं जाने दे रहे। पता नहीं यार अपन को क्यों नहीं दिखाते पूरा। और बाकी ये जो है फूल महल, जो फूल महल का भी गेट बंद है तो अंदर नहीं जाने दे रहे। ये क्या कांच है क्या, अंदर से दिखता है क्या? नहीं कांच ही है सिर्फ। ऊपर भी ठीक कलाकृति कर रखी है इन्होंने, बहुत बढ़िया है। वैसे मैं यहाँ को होके भी यहाँ नहीं आया, बताओ। बीकानेर को होके भी बीकानेर नहीं आया, बताओ। बीकानेर होके भी जूनागढ़ नहीं आया, ये भी बढ़िया है यार। आवाज भी घूम रही है मेरे यहाँ तो। कृष्णा जी वाइड एंगल में लेते हैं। गाइस ये हमारा अपने हमने बुक कर लिया है इस रूम को, 224 नंबर। तो आना यहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ठहरने के लिए मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको कुछ और दिखाते हैं, सिर्फ राजा लोग ढोल बजाते थे, ये उनके लिए था, ये आप नहीं बजा सकते। और ये जो है जंग का ऐलान होता था ना, उस टाइम ढोल बजाते थे के वो सब सावधान हो जाए। और ये पीतल का है, इसके अंदर पानी गर्म करते थे, ठीक है, राजा लोग नहाने के लिए। और ये चप्पल देखो यार, ऐसे चप्पल अपन भी पहन के घूम सकते हैं क्या, पत्थर के और है ना गाइस। तो गाइस आपको सही से बताते हैं, ये भोर ढोल जो इसको बिना हाथ लगाए बचाते, जो भौरा कहते हैं ना एक वो चीज़, उसको इसके अंदर डाल के वो इसके अंदर घूमता था जब ये ढोल बजता था, इसलिए इसको भंवर भंवर ढोल किया गया है, राव चंद जी का ये। और बाकी आगे चलते हैं। यहाँ पे सिर्फ ओहो हथियार दिखाते हैं आपको यार, इतनी बड़ी बड़ी तलवार अपन लेंगे चलेंगे बिना, सच्चे में इतनी बड़ी बड़ी तलवार है, अगर अपन ले के भी इसको चले ना रास्ते में मार देंगे तेरे को, चल मार देंगे तेरे को। तो अभी देखो आप यहाँ के हथियार देखो, उसके बाद आपको बताओ। ये देखिए यहाँ के हथियार है, ये पता नहीं अलग अलग तरह के सब कुछ, ये सब राशि का सिंबल दिया यार, ये कितना मस्त लगा यार मेरे को, मस्त है यार। इसको उड़ा के और रखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है इसमें है, मुसलमान बादशाहों की तरफ से प्रमुख राज्यों को मिलने वाला बड़ा सामान, सामान माना जाता है, मतलब मुसलमानों की तरफ से मिलने वाला ये सामान है, जो बढ़िया है, मस्त है। और आगे चलते हैं, आपको मैंने दिखाई नहीं तो आगे चलते हैं। और ये जो है ना 27 किलो की है, ये सिर्फ कवर 27 किलो का है भाई साहब।